18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब ब्रिटिश सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर पूरे एशिया में मानवाधिकार और स्त्री सुरक्षा का नाम लेकर कब्जा कर रही थी, ऐसे में उनका सामना उत्तर प्रदेश के झांसी में एक ऐसी वीरांगना से हुई जिसके सर पर ना ही शाही ताज था और ना ही वो कथित उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। इस वीरांगना ने अपने युद्ध कौशल और चपलता से ब्रिटिश सेना को इतना मजबूर कर दिया कि इनके दोनों प्रोपोगंडा मानवाधिकार और स्त्री सुरक्षा धारे के धरे रह गए और व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी के नरश्रेष्ठों को एक नारी को फांसी देना पड़ गया और इस फांसी से ब्रिटिश सेना की मौन शिकस्त हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सेना को भारतीयों के राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभक्ति से परिचित होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। आज हम बात करेंगे वीरांगना झलकारी बाई के बारे में और आगे इस वीडियो में बताएंगे कि 18वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश सेना को उस दौर में एक भारतीय वीरांगना ने किस प्रकार कूटनीतिक विषाद पर सह और मात दे दी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर रिसर्च के बाद इतिहास के अनछुए पन्नों पर हमारी टीम प्रकाश डालती है और ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजला के गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम जमुना बाई और इनके पिता का नाम सदोबा था। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण झलकारी बाई को जंगल, लकड़ियों एवं पशुओं के चारे की वजह से जाना पड़ता था, इसीलिए इनके पिता ने इनको घुड़सवारी और युद्ध कौशल की शिक्षा देना प्रारंभ कर दी थी। मैं आपको बताता चलूं कि रानी लक्ष्मीबाई की समकालीन वीरांगना झलकारी बाई के विषय में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण महलों में हुआ था, जबकि वीरांगना झलकारी बाई गरीब परिवार में थी। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध कौशल श्रेष्ठ गुरुओं ने सिखाया था, जबकि झलकारी बाई को उसको युद्ध कौशल उसके पिता ने जरूरत के हिसाब से सिखाया था। किंतु कहा जाता है ना कि कौशल किसी की जागीर नहीं होती और झलकारी बाई उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में झलकारी बाई जब जंगल से लकड़ियां लाने गई थी तो उसको एक तेंदुए ने घेर लिया। वहां पर झलकारी बाई ने अपने हंसिए के वार से तेंदुओं को मार डाला था और ये खबर जब रानी लक्ष्मीबाई को मिली तो उन्होंने तुरंत ही झलकारी बाई को अपने यहाँ आने का न्योता भेज दिया। झलकारी बाई दुर्गा पूजा पर जब रानी लक्ष्मीबाई से मिली तो रानी लक्ष्मीबाई हतप्रभ रह गई, क्योंकि इन दोनों की शक्लों में बहुत ही समानता थी। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के वीरता से बहुत ही प्रसन्न थी और उन्होंने उस समय एक दुर्गा सेना का निर्माण करके झलकारी बाई को उसका सेनापति नियुक्त कर दिया। झलकारी बाई का विवाह पूरन कोरी से हुआ था। समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के शक्लों में इतनी समानता थी कि उस समय प्रजा भी धोखा खा जाती थी और यही समानता अंग्रेजों के लिए नासूर बन गई। दुर्गा सेना ने अंग्रेजी टुकड़ियों पर बहुत सारे हमले किए, कई बार उनके शस्त्र छीन लिए, कई बार उनके अनाज जला डाले और ऐसे हमलों में 70% ऐसे हमले झलकारी बाई के नेतृत्व में होते थे और वहाँ किले में रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रहती थी। ऐसे हमलों से परेशान होकर अंग्रेजों ने आखिर फूट डालो राज करो का रास्ता अपनाया और किले में एक भेदिया ढूंढ निकाला। ब्रिटिश सेना एक बड़े लाव लश्कर के साथ झांसी पहुंच गई और किले को घेर लिया गया। इस बार झलकारी बाई ने राष्ट्रभक्ति का वह नमूना पेश किया जिसका दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने कपड़े को रानी लक्ष्मीबाई को पहना दिया और स्वयं रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर युद्ध में कूद पड़ी, ताकि अंग्रेज उन्हें ही लक्ष्मीबाई समझकर उनका पीछा करने लगे। झलकारी बाई इस बार भी अपने चाल में कामयाब हो गई और वो तो फंस गई ब्रिटिश सेना के बीच में, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई किले से निकलने में सफल रही। एक भीषण युद्ध के बाद झलकारी बाई को जिंदा पकड़ लिया गया
और 4 अप्रैल 1858 में झलकारी बाई को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। परंतु झलकारी बाई की फांसी ने अंग्रेजों के मंसूबों की परत खोल दी, क्योंकि इस बार ब्रिटिश सेना को एक नारी को फांसी देना पड़ा और ये फांसी उनके पुरुषत्व का मजाक बना गई। इस वीरांगना ने अंग्रेजों के झूठे मानवाधिकार और स्त्री सुरक्षा के प्रोपेगंडा का कलई खोल दिया। आज हमारे समाज को ऐसे वीरांगनाओं से प्रेरित होने की आवश्यकता है। भारत के आज़ादी के बाद झलकारी बाई से संबंधित भारत सरकार ने कुछ अस्पताल बनवाए और एक डाक टिकट भी जारी किया। वीरांगना झलकारी बाई भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। हम उनको नमन करते हैं और इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।